शून्य की भूमिका। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है? जब शून्य किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो पुनः वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, एक धन शून्य बराबर एक और शून्य धन एक बराबर एक, ऋण दो धन शून्य बराबर ऋण दो और शून्य धन कोष्टक में ऋण दो बराबर ऋण दो, 11/3 धन शून्य बराबर 11/3 और शून्य धन 11/3 बराबर 11/3। इस कारण हम शून्य को योजतस्मक कहते हैं। इस गुण का सार नीचे प्रस्तुत किया गया है। यदि ए कोई परिमेय संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो ए धन शून्य बराबर ए और शून्य धन ए बराबर ए। क्या प्राकृतिक संख्याओं में योजतस्मक है? एक की भूमिका। नीचे दिए गए खाली डिब्बे भरिए। खाली स्थान गुणित 3 बराबर 3 और 3 गुणित खाली स्थान बराबर 3। इसी प्रकार ऋण 2 गुणित खाली स्थान बराबर ऋण 2 और खाली स्थान गुणित ऋण 2 बराबर ऋण 2। 7/8 गुणित खाली स्थान बराबर 7/8 और खाली स्थान गुणित 7/8 बराबर 7/8। आपने ऊपर के गुणनफलों में क्या कुछ विशेष देखा? हम देख सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को एक से गुणा किया जाए तो गुणनफल पुनः वही परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। उदाहरण के लिए, जब 15/50 को सरल रूप में लिखने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं, 15/50 बराबर 3×5/10×5 बराबर 3/10×5/5 बराबर 3/10×1 बराबर 3/10, जहां हम लिखते हैं कि 3/10×1 बराबर 3/10। वहां हम गुणनफल के तत्समक गुण का उपयोग करते हैं। प्रतिलोम का अस्तित्व। एक, योगात्मक प्रतिलोम। 3 धन कोष्टक में ऋण 3 बराबर 0 और ऋण 3 धन 3 बराबर 0, ऋण 5 धन 5 बराबर 0 और 5 धन कोष्टक में ऋण 5 बराबर क्या होगा? 2/3 में क्या जोड़ें कि 0 के बराबर हो और किस संख्या में 2/3 जोड़ें कि वह 0 के बराबर हो? इसी प्रकार ऋण 1/2 में क्या जोड़ें कि वह 0 के बराबर हो और किस संख्या में ऋण 1/2 जोड़ें कि वह 0 के बराबर हो जाए? पहले उदाहरण में ऋण 3 और 3 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पर हमें योग 0 प्राप्त होता है। कोई दो संख्याएं जिनका योग 0 हो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। सामान्यतः यदि ए कोई परिमेय संख्या है तो ए धन कोष्टक में ऋण ए बराबर 0 और कोष्टक में ऋण ए धन ए बराबर 0। तो ए ऋण ए एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही रहता है, क्योंकि 0 धन 0 बराबर 0। 2 गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या 2/7 का किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 1 प्राप्त हो? हम देखते हैं 2/7×7/2 बराबर 1 और 7/2×2/7 बराबर 1। नीचे दिए गए खाली डिब्बे भरिए। 2 गुणित खाली स्थान बराबर 1 और
खाली स्थान गुणित दो बराबर एक, ऋण पाँच गुणित खाली स्थान बराबर एक और खाली स्थान गुणित ऋण पाँच बराबर एक, ऋण सत्रह बटे उन्नीस गुणित खाली स्थान बराबर एक और खाली स्थान गुणित ऋण सत्रह बटे उन्नीस बराबर एक। एक में किसका गुणा किया जाए कि वह एक के बराबर होगा? ऋण एक में किसका गुणा किया जाए कि वह एक के बराबर हो? कोई दो संख्याएं जिनका गुणनफल एक हो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। उदाहरणतया चार गुणित एक बटे चार बराबर एक और एक बटे चार गुणित चार बराबर एक। अतः संख्या चार और एक बटे चार एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या c बटे d दूसरी परिमेय संख्या a बटे b का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि a बटे b गुणित c बटे d बराबर एक और c बटे d गुणित a बटे b बराबर एक। परिमेय संख्या व उनका दशमलव स्वरूप। अगर हमें 7 बटा 4, 9 बटा 11, 7 बटा 6 आदि का दशमलव स्वरूप लिखना है तो हम 7 को 4, 9 को 11, 7 को 6 से भाग करेंगे। आप भी करें तथा आगे दी गई सारणी से मिलान करें। एक शेष फल बराबर तीन दो शून्य भाजक चार, दो शेष फल बराबर दो नौ दो नौ दो नौ इत्यादि भाजक ग्यारह। तीसरा शेष फल बराबर एक चार 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 इत्यादि भाजक छः। इन तीनों शेषफलों को देखें, क्या आप इनकी कोई विशेषता दिखा पा रहे हैं? एक चार से भाग करने पर शेषफल एक सीमा के पश्चात शून्य हो जाता है। दो ग्यारह से भाग करने पर बारी बारी से दो व नौ शेषफल में आ रहे हैं। तीन छः से भाग करने पर पहले स्थान के बाद चार का दोहराव हो रहा है। चार जब शेषफल का दोहराव हो रहा है तो भागफल में भी दोहराव दिखता है। आइए इसे और समझने के लिए हम तालिका बनाते हैं। तालिका के शीर्षक है संख्या भागफल विश्लेषण निष्कर्ष। पहले हम सात बटे चार लेते हैं। आप तालिका में देखेंगे सात बटे चार का भागफल 1.75। यहाँ दशमलव के दो स्थानों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। यह निष्कर्ष निकलता है कि यह शांत दशमलव है। 9 बटे 11 0.8181 इत्यादि। यहाँ दशमलव के दो स्थानों के बाद पहले वाले दो स्थानों के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यह अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है। 7 बटे 6 1.166 इत्यादि। यहाँ दशमलव के एक स्थान के बाद आने वाली संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है। तालिका से हम पाते हैं कि संख्या 7 बटे 4 में शेषफल कुछ पदों के बाद शून्य हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण 1/2 = 0.5, 7/8 = 0.875 आदि हैं। ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं जिनमें
दशमलव के पश्चात की संख्याएं सीमित हैं। संख्या 9/11, 7/6 में भागफल में एक निश्चित स्थान के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। हम 7/6 बराबर 1.1666 इत्यादि को 1.16 बार भी लिखते हैं। ऐसे ही 9/11 बराबर 0.8181 इत्यादि को 0.81 बार लिखेंगे। यह अशांत आवर्ती है, यानी असीमित, किंतु दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वही टुकड़े दोहराए जा रहे हैं। करके देखें। पहला, ऐसी दो परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव रूप अशांत आवर्ती हो। दूसरा, ऐसी दो परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव रूप शांत हो। दशमलव को परिमेय संख्या के सामान्य रूप में लिखना। जब हम दशमलव संख्या को उसके p/q के रूप में लिखते हैं तो हम संख्या को बेहतर समझ पाते हैं। हम पहले कुछ आवर्त दशमलव संख्याएं लेते हैं।